नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो ऑर्नामेंटल प्लांट का आपका पेपर है, कल आपका जो पेपर होगा उसकी एक बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो वीडियो पर आप सभी लोग जल्दी से जुड़िए, सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोपियरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त पौधा कौन सा अच्छा है? टोपियरी बनाने के लिए, टोपियरी क्या होता है? जैसे किसी वृक्ष या झाड़ी को काट छांट करके एक निश्चित आकार दे देते हैं, किसी का भी आकार दे सकते हैं, पक्षी का दे सकते हैं, इंसान का दे सकते हैं, छातानुमा आकृति दे सकते हैं, तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ दी जाती हैं उसको बोलते हैं टोपियरी। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पौधा उपयुक्त होता है, जो एप्रोप्रिएट प्लांट होता है, वो होता है क्लोरोडेंड्रन इनर्मी। अगला प्रश्न, अगला कि बारादरी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, बारादरी किसकी मुख्य विशेषता होती है? तो जो बारादरी है यह मुगल गार्डन की मुख्य विशेषता होती है। बारादरी के साथ साथ में मेरे भाई जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर बोले तो बहता हुआ जल और बारादरी, ये दोनों ही मुगल गार्डन की विशेषताएं होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बारादरी किस उद्यान की एक विशेषता, तो मैं इसको डिस्कस कर लिया। बारादरी एक मुगल उद्यान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। ताज गार्डन की बात करें आगरा, राष्ट्रपति गार्डन की बात करें नई दिल्ली में स्थित है। विंटरिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्रिया है, जो कि किस क्रॉप में अप्लाई की जाती है? ये अप्लाई करते हैं भैया किसमें, गुलाब में अप्लाई की जाती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एकोमोडेट्स 81% मोर प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम के कंपेरिजन में 81% प्लांट किस विधि में ज़्यादा लगते हैं? तो ये लगते हैं क्विनकॉक्स मेथड, पंचकोणी विधि में, जबकि जो षटकोणी विधि है इसमें 15% प्लांट ज़्यादा लगते हैं। इसमें 15% प्लांट ज़्यादा लगते हैं किसके कंपेरिजन में, किसकी तुलना में? तो वर्गाकार विधि की तुलना में। अगला क्वेश्चन, रोपण की पंचकोणी विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में, डिटेल आपके सामने दिया गया है, आप इसको पढ़िए और याद करिए। अगला कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस क्रॉप में देखने को मिलती है? आम में देखने को मिलती है। प्रोपोगेशन की एक तकनीक है, प्रवर्धन की एक विधि है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि क्राइजेंथिमम बोले तो गुलदाबदी, इसमें प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो प्रवर्धन है, जो प्रोपागेशन है गुलदाबदी में, यह टर्मिनल कटिंग एंड रूट सकर्स के द्वारा, मेरे भाई किसके द्वारा? टर्मिनल कटिंग एंड रूट सकर्स के द्वारा देखने को मिलता है क्या, क्राइजेंथिमम में प्रोपागेशन। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले जो टेबल लेके आए, इस टेबल को आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे फसल का नाम होगा और प्रवर्धन की विधि होगी, बात करें कि जो गुलदाबदी है सर, उसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? उसमें करते हैं टर्मिनल स्टेम कटिंग, टर्मिनल कटिंग बोले तो सीड्स कलिका काटी जाती है, और रूट सकर्स, तो टर्मिनल कटिंग और रूट सकर्स के द्वारा किसमें प्रवर्धन होता है? गुलदाउदी में। इसी प्रकार ग्लेडियोलस में किसके द्वारा होता है? कॉम्स या फिर टिश्यू कल्चर के द्वारा। गेंदा यानी मेरी गोल्ड में सीड के द्वारा देखने को पाया जाता है, और रोज में टी बडिंग या फिर सील्ड बडिंग के द्वारा। इसी प्रकार जो गुड़हल है, इसमें कटिंग के द्वारा किया जाता है। सभी के याद हो गए कि नहीं, ग्लेडियोलस कॉम्स या फिर टिश्यू कल्चर, गुलदाबदी में किसके द्वारा करते हैं? टर्मिनल कटिंग और रूट सकर्स के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटेशन एकोमोडेट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मोर प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में हेक्सागोनल में कितने प्लांट्स अधिक लगते हैं? तो 15% प्लांट ज़्यादा लगते हैं, जबकि जो पंचकोणी विधि है, जो क्विनकॉक्स मेथड है, उसमें 81% प्लांट ज़्यादा लगते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो वर्गाकार विधि की तुलना में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट ग्रोइंग
ट्री कौन सा एक ऐसा वृक्ष है जिसकी वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है? तो वो जो हमारा है यूकेलिप्टिस, सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला प्लांट है वो यूकेलिप्टिस हाइब्रिडा होता है। अगला प्रश्न, पुष्पों में से किसको पुष्प आहार बनाने के लिए, पुष्प आहार नहीं बेटा पुष्पहार, विच आर द फॉलोइंग हैज व्हाइट फ्लावर, किसका यूज करेंगे पुष्पहार के लिए? तो यहां पे जो यूज करा जाएगा मिसेलिया चंपा, पुष्प का उपयोग पुष्पाहार के रूप में करते हैं। पुष्पाहार बोले तो पहले बच्चों पुष्पों की माला यानी पुष्प का आहार बनाने के लिए, पुष्पों की माला यानी पुष्पाहार बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो मिसेलिया चंपा नामक पुष्प का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सफेद पुष्प देता है, निम्न में कौन सफेद पुष्प देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर कौन सा पुष्प देगा भैया, कौन सा प्लांट्स है? तो ये होता है डेलिनिया इंडिका, जो डेलिनिया इंडिका है इसमें व्हाइट फ्लावर आते हैं, कैसे व्हाइट। अगला, पूसा महक इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी, अब महक की बात हमसे करी गई और सर पूसा महक की बात करी गई, तो गुलाब यानी मैरी गोल्ड नहीं रोज यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूसा महक गुलाब की एक किस्म है, ध्यान रहे ध्यान रहे और ध्यान रहे, प्रियदर्शनी, हैप्पी एंड, सुचित्रा और फ्रेंडशिप। मैंने क्या बोला, हमने तो यही बोला कि प्रियदर्शनी, हैप्पी एंड, सुचित्रा और फ्रेंडशिप ये जो किस्में हैं सर ये हैं किसी गुलाब की। मैंने कहा ठीक है, अब आप कहोगे सर गुलाब की सफ़ेद किस्म कौन सी है जिसमें पुष्प सफ़ेद आता, तुषार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुषार, एक ऐसी वैरायटी जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि गुलाब की जो है कांटे रहित वैरायटी कौन सी है, थॉर्नलेस वैरायटी आप रोज, पूसा मोहित और सुचित्रा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुलकंद बनाने के लिए पेटल और चीनी का अनुपात कितना होता है? तो 1:1, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, गुलाब के फूल की पंखुड़ी का लाल रंग किसकी मौजूदगी कारण देखने को मिलता है? रेड कलर इन द पेटल्स ऑफ ए रोज फ्लावर, जो रोज फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण? तो यहाँ पे जो उपस्थिति की हमसे बात करी जाएगी तो एंथ्रोसाइनिन विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बीच स्पेसीज ऑफ रोज कंटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसेंशियल ऑयल, गुलाब की वो कौन सी स्पेसीज है जिसमें जो सुगंधित तेल है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रोजा डेमासिना, कौन सी है मेरे बच्चों, रोजा डेमासिना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गुलाब के कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे फूल को क्या बोलते हैं, हिप्स, हिप्स में विटामिन सी की अधिकता देखने को पाई जाती है। गुलाब के फूलों में 0.02 से 0.05% तक तेल होता है और फूलों का रंग लाल जो है एंथ्रोसाइन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण देखने को पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जैन उद्यान को और किस नाम से जानते हैं, जो जैन गार्डन है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं जापानीज गार्डन के नाम से, जो जैन उद्यान होता है मेरे भैया इसको जापानीज गार्डन के नाम से जाना जाता है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने वो क्या है कि हाइब्रिड टी रोज इज कॉमर्शियली प्रोपागेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, हाइब्रिड टी मैंने क्या बोला, हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किसके द्वारा करते हैं? तो टी बडिंग के द्वारा करते हैं। आपसे पूछा गया जो हाइब्रिड टी है, हाइब्रिड टी में क्या है टी, तो जो प्रवर्धन की विधि अपनाते हैं वो टी बडिंग ही अपनाई जाती है। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वर्ण लिली को अन्य किस नाम से जानते हैं, जो स्वर्ण लिली है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्वर्ण लिली को मेरे भैया किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण लिली को ग्लेडियोलस बोलते हैं, पीले और सोने रंग के पुष्प यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैप्पी एंड फ्रेंडशिप जो वैरायटी वो किस क्रॉप की है, हैप्पी एंड फ्रेंडशिप, अभी मैंने पढ़ा था हैप्पी एंड और फ्रेंडशिप ये जो वैरायटी है रोज यानी गुलाब की देखने को पाई जाती हैं। गुलाब की कुछ अन्य भी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, टेबल के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा गुलाब नहीं, यहाँ पे जो वैरायटी आपको देखने को मिलने वाली है वो देखने को मिलने वाली है ग्लेडियोलस की।
यहाँ पे कुछ डाउट है, ये प्रजातियाँ जो हैं प्यारे बच्चों ये ग्लोडियोलस की हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इसको आप भी मत पढ़ना ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, लाल बाग गार्डन कहाँ पे स्थित है? जो लाल बाग गार्डन है ये बंगलोर में स्थित है। कहाँ पे? बंगलोर में। कुछ अन्य गार्डन जिसकी टेबल हम आपके सामने लेके आए हैं उनको देखिए आप लोग। लाल बाग कहाँ पे? बंगलोर में है। मुगल गार्डन में जो कहाँ पे? नई दिल्ली में, और राष्ट्रपति भवन भी नई दिल्ली में है। शालीमार और निशांत बाग, शालीमार और निशांत बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर है। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। तो ये सब हैं इंपॉर्टेंट गार्डन जिनको आपको याद रखना है। आगे अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ऑक्सिलरी वर्ड्स एट इनिशियल स्टेज फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही बोलते हैं टपिंग, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं टपिंग। अगला प्रश्न, सिंकोना पौधे किससे प्राप्त होती है? तो छाल से प्राप्त होती है, वाक्स से। सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है, वाक्स से, है ना। कौन सी औषधि इससे बनती? तो कुनैन, याद रखिएगा। कुनैन का यूज कहाँ पे करते हैं? तो मलेरिया रोग की रोकथाम में कुनैन नामक दवा का यूज किया जाता है। फर्स्ट प्राइज एक इम्पॉर्टेंट किस्म है किस क्रॉप की है? तो फर्स्ट प्राइज एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी ये है गुलाब की, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुपर स्टार एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी किसकी है? तो ये वैरायटी भी किसकी है? ये वैरायटी जो है हाइब्रिड टी की है बच्चों। किसकी? हाइब्रिड टी रोज की है। आगे पायरेथ्रम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो पायरेथ्रम में कीटनाशी गुण होते हैं ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर पेटल ऑफ क्राइजेंथिमम, फ्लावर पेटल ऑफ क्राइजेंथिमम। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लेडियोलस में प्रवर्धन किसके द्वारा देखने को मिलता है? तो ये वल्फ्स के द्वारा, ध्यान रखना ग्लेडियोलस वल्फ्स के द्वारा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति नहीं है? प्रजाति है तो गजल, ज्वाला, प्रदर्थनी, ये सारी की सारी वैरायटी किसकी होती है? ग्लेडियोलस की। गजल, ज्वाला और प्रदर्शनी बच्चों, ग्लेडियोलस का प्रसारण किससे करते हैं? वल्प्स के द्वारा करते हैं। इस प्रश्न बेहतरीन तरीके से पहले बच्चों डाउट था, जो ट्यूबरोज होता है, जो ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा होता है, उसमें प्रवर्धन बल्ब के द्वारा करते हैं, ग्लेडियोलस में नहीं करते हैं। ग्लेडियोलस में किसके द्वारा करते हैं? कॉम्स के द्वारा, कॉम्स या फिर टिश्यू कल्चर, याद रख लेना ये बात सही है। ग्लोडियोलस में प्रवर्धन कॉम से या टिश्यू कल्चर के द्वारा करते हैं, लेकिन ट्यूबरोज में जो करते हैं रजनीगंधा में, उसमें करते हैं बल्ब के द्वारा। आगे निम्नलिखित में कौन सी ग्लोडियोलस की प्रजाति होती है? सभी हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने हैं, ज्वाला, गजल, है ना, ये वैरायटी भी जो आपको दी गई है, मनीषा, मनहर, अर्चना, मनमोहन, मोहिनी, मुक्ता, पीताम्बर, ये सारी की सारी वैरायटी किसकी हैं? ग्लोडियोलस की हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल किसका होता है? रफलेसिया का होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बच्चों, फूलों के पौधे से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टॉपिंग। आपके सामने टेबल है और टेबल का जो आंसर होंगे वो ये है, याद कर लो आप लोग। चमेली का वैज्ञानिक जैस्मिनम सम्बेक और ऑरिकुलेटम होता है। क्राइजेंथिमम स्पीसीज, क्राइजेंथिमम का गुलाब का रोजा इंडिका, लिली का क्राइनियम स्पीसीज, गेंदा का टाइजेस्ट पैटुला और चंपा का माइकेलिया चंपेसिया, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता? तो यूकेलिप्टस, यही सबसे तेजी से बढ़ता है। पुष्पाहार बनाने के लिए तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाइट फ्लावर? तो यहाँ पे डिलेंडिया इंडिका ही राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।